आज सदाबहार एक्टर देवानंद का 96 बर्थडे है। देवानंद का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में 26 सितंबर 1923 को हुआ था। देवानंद अपनी माँ के बहुत ही करीब थे और वो अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद आज भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन अपनी बेहतरीन फिल्मों, अलग अंदाज और शानदार एक्टिंग के जरिए वो हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेंगे। अपने करियर में उन्होंने 116 फिल्मों में काम किया। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था, मगर बॉलीवुड में वो हमेशा देवानंद के नाम से जाने गए। देवानंद की पहली रंगीन फिल्म गाइड थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्म गाइड में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप के बारे में दिखाया गया था। देवानंद अपने दौर के हैंडसम एक्टर थे और लड़कियां उनकी इस कदर से दीवानी थी कि उन्हें देखकर लड़कियां छतों से कूद जाती थी। कहा जाता है कि देवानंद पर ब्लैक कोट पहनने पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि देवानंद को ब्लैक कपड़ों में देखने के लिए लड़कियां छत से कूद जाती थी। 60 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद का सिक्का चलता था। एक तरफ दिलीप कुमार गंभीर किरदार निभाने वाले ट्रेजेडी किंग थे, वहीं राज कपूर बड़े ही चुलबुले रोल करते थे, मगर रोमांस स्टाइल और दिल को छूने वाले रोल सिर्फ देवानंद को ही मिलते थे। देवानंद के आज भी लाखों लोग दीवाने हैं। देवानंद ने अपनी पहली जॉब 65 रुपए से शुरू की। ये नौकरी उन्हें मिलिट्री सेंसर के ऑफिस में की। इसके बाद देवानंद ने बतौर क्लर्क एक अकाउंटेंट फर्म में 85 रुपए महीने के लिए नौकरी की। इसके बाद उन्होंने अपने भाई के साथ एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। इसी के बाद उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। एक सांस में लंबी डायलॉग डिलीवरी और एक तरफ झुककर चलने का उनका खास अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता था। 1950 में जब पहली बार देव साहब ने नवकेतन फिल्म के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, बॉलीवुड में गुरुदत्त को पहली बार ब्रेक देने का श्रेय देवानंद को ही दिया जाता है। देवानंद की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। देवानंद को सुरैया से प्यार हो गया। वो उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने शादी के लिए सुरैया को प्रपोज भी किया, मगर सुरैया की नानी के ना कहने की वजह से दोनों शादी के बंधन में नहीं बन पाए। देवानंद के हिंदू होने की वजह से सुरैया की नानी ने दोनों की शादी के लिए मना कर दिया था। और बाद में देवानंद की शादी एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से हुई। ये भी बताया जाता है कि सुरैया को मनाने के लिए देवानंद ने उधार पैसे लेकर उनके लिए रिंग खरीदी थी, लेकिन उनकी सुरैया से शादी नहीं हो पाई और उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी की। सभी के दिलों में बसे देवानंद ने 3 दिसंबर 2011 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने लंदन में अपनी आखिरी सांसें ली थी और आज यानी कि 26 सितंबर को देवानंद का 96 बर्थडे है और वो हमेशा लोगों के दिल पर पहले की तरह ही राज करते रहेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।